Hi everyone, this is Sapon Chaudhary. I am back with my program, the YouTube channel Cable Wala, the voice of cable operators. आज मैं एक मुद्दा उठाना मांगता हूँ. My issue today is the identity, cable operator का identity. मेरे को पता है ये बोलने से बहुत operator बोलना चालू करेंगे. क्यों, मेरा तो आइडेंटिटी है, मैं केबल ऑपरेटर हूं. बट आई से मैं बोलता हूं, मैं केबल ऑपरेटर नहीं हूं, आप केबल ऑपरेटर नहीं हो, यू आर एक लोकल केबल ऑपरेटर. फिर बोलना चालू करेगा बहुत आदमी, ये तो क्या हुआ, लोकल ऑपरेटर भी हूं ना, ट्राई तो मेरे को एक आइडेंटिटी दिया है, पहले तो मेरे का कुछ भी नहीं था. मैं बोलूंगा ये केबल ऑपरेटर का बात नहीं है, ये बात एमएसओ का है और एमएसओ केबल ऑपरेटर का दिमाग में ये इम्बेडेड किया है. अब ये बात हो सकता है, बहुत आदमी बोलना चालू करेगा बहुत जगह से, ये सपन बहुत बकता है, बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा बोलता है. बट मैं सब केबल ऑपरेटर को बोलूंगा, थोड़ा मेरा बात सुनिए, सोचिए, उसके बाद आप अपना राय दीजिए. देखिए, केबल टीवी शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1998-99, और उस समय केबल टीवी में कोई एक्ट नहीं था. केबल टीवी में एक्ट कब आया, जब केबल जो सर्विस है ये सर्विस सोसाइटी के ऊपर एक इम्पैक्ट गिराया है. यस, दिस इज ऑल्सो ए सर्विस और वी नीड दिस. उस समय कोई सर्विस एक्ट नहीं था. तब 1995 में ट्राई ने एक रेगुलेशन लाया है, एक एक्ट बनाया केबल टीवी के ऊपर, द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995. और ये बात सबके दिमाग में आना चाहिए, जिस समय केबल एक्ट बना था उस केबल एक्ट में एमएसओ का कोई आइडेंटिटी नहीं था, उसका कोई नामो निशान नहीं था. अब केबल एक्ट में बोला था कौन केबल ऑपरेटर हो सकता है, कैसे केबल ऑपरेटर हो सकता है. तो शुरू दिन से 1998-99 से जो लोग केबल टीवी सर्विस में था, 1995 में जब केबल एक्ट बना उस समय वो केबल ऑपरेटर हो गया है. और आज तक जितना केबल ऑपरेटर ये काम करता है एज पर एक्ट, उन्होंने भी केबल ऑपरेटर बन चुका है. तो इसलिए इस बारे में मैं हर केबल ऑपरेटर को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग काइंडली ट्राई का वेबसाइट में जा करके केबल एक्ट थोड़ा पढ़ लीजिएगा. आप ट्राई का जो साइट है वो हम आपको बताते हैं, वो है www.trai.gov.in. अब इसी एक्ट का अनुसार मैं तब बोलूंगा, तो मैं जब केबल ऑपरेटर था हूं तो मेरे को कैसे लोकल केबल ऑपरेटर बना दिया गया, कैसे. तो हम और एक रिक्वेस्ट करेंगे केबल ऑपरेटर का, ये जितना भी इश्यूज है ये बहुत छोटा लगता है, बहुत लाइट लगता है, लेकिन ये सब इश्यू कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई राज है. और मेरा काम है वो राज को निकालना, वो राज को खोजना और सबके सामने वो प्रेजेंट करना, उसमें क्या है. तो अब ये टाइम है थोड़ा मैं डिटेल डिस्कस करूं. फर्स्ट, 1995 में जो केबल एक्ट बना था वो आज तक कम से कम 8 times वो चेंज हो चुका है. जो केबल एक्ट में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का कोई आइडेंटिटी नहीं था, 2008 में केबल एक्ट अमेंड किया गया और उसमें एमएसओ को आइडेंटिटी दिया गया. अब जब एमएसओ को आइडेंटिटी दिया था उसमें कोई तो एक डिस्क्राइब किया था किस लिए ये एमएसओ केबल एक्ट में आएगा, उसका डेफिनेशन बोलिए, उसका डिस्क्रिप्शन एक पिकुलियर था, उसका कोई माने ही नहीं रखता. अब इसको थोड़ा समझने के लिए आपको देखने पड़ेगा
ड्राफ्ट रिकमेंडेशन ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ केबल टीवी सिस्टम डेटेड 15 जुलाई 2008, एक बार देख लीजिएगा। अब बहुत आदमी बोलेगा, जो इंटेलिजेंट आदमी केबल टीवी में बहुत है, वो लोग बोलेगा तो जब केबल एक्ट में एमएसओ का आइडेंटिटी आ ही चुका है तो हो सकता है वो आएगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है एमएसओ का आइडेंटिटी क्यों आया, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर आइडेंटिटी आ गया है तो केबल ऑपरेटर का आइडेंटिटी कैसे केबल टीवी ऑपरेटर से लोकल केबल ऑपरेटर हो चुका है, हाउ? अब ये जो चेंजेस किया गया है, मेरे ख्याल से ये पावर है, अथॉरिटी है, राइट्स है, ये रहने का कारण ट्राई का टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स कुछ भी कर देगा, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ कोई कुछ करने भी नहीं सकता, क्योंकि केबल ऑपरेटर सेगमेंट, केबल ऑपरेटर फ्रेटर्निटी इज लाइक दैट, वो अपना बात सही तरह के सही जगह उठा ही नहीं सकता, ये सबको मालूम है। और इसीलिए कोई भी काम होता है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द केबल ऑपरेटर वो ठोका जाता है, क्योंकि मेरे को हम लोग को पता है एमएसओ का फिनेंशियल स्ट्रेंथ है, एमएसओ का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट्स है, और उसका वो लॉबी करने का कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए 2003 में आप सोच लीजिए, अब थोड़ा सोचिए केबल ऑपरेटर, 2003 में जब कंडीशनल एक्सेस सिस्टम कैश आया था, उस समय FTA फ्री टू एयर सर्विस के लिए एक अमाउंट फिक्स किया गया था ट्राई ने, उसका रेट करीब 72 और 77 था। ये FTA जो चार्जेस है ये पूरा केबल ऑपरेटर को मिलता था, लेकिन बाद में MSO लोग वही चीज लेकर चैलेंज किया कोर्ट में, ट्राई में, और अपना लॉबी लगा करके उस फ्री टू एयर जो अमाउंट है उसमें वो अपना शेयरिंग बैठा लिया, जो आज भी चलता है। अब 2008 में तो वो अपना आइडेंटिटी बनाए लिया, और जो किया है केबल ऑपरेटर का जो आइडेंटिटी है वो डिग्रेड कर दिया, डिग्रेड करके लोकल केबल ऑपरेटर बना दिया। और मेरा बोलने का मतलब यही है, इसमें जरूर कोई राज है, केबल ऑपरेटर को केबल ऑपरेटर से लोकल ऑपरेटर बना देगा, कल तो उसको एजेंट बना देगा, इसको उसके पास पावर है, उसके पास लॉबी है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट है, उसके बाद एजेंट कमीशन एजेंट बनाने के बाद ऐसा हो सकता है जो लॉ है उसका इतना क्या हम लोग बंगला में बोलता है मार पैच, मतलब उसको इस हिसाब से उसको बना के फेंकेगा, जो कल केबल ऑपरेटर का जो नेटवर्क ओनरशिप है उसको भी उठा लेगा, और वो जो लॉ है वो आप और मैं कितना जानता हूँ, कितना समझता हूँ। अब जब ऐसा होगा अब क्या कीजिएगा, मैं क्या करूँ इसके लिए? एक तो बात आपको बताइए, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए एक जमीन या एक मकान आपका या मेरा है, और वो मैंने खरीदा है या बनाया है, उसका ओनरशिप मेरा पास है, लेकिन प्रॉब्लम है वो जमीन या मकान का जो डॉक्यूमेंट है, मतलब वो जो डीड ऑफ कन्वेनेंस बोल सकते हैं, या उसे हम लोग बंगाली में बोलते हैं दलील, वो मेरा पास नहीं है। इसको लिए क्या हुआ, बाद में इसको लेके एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ, कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट जाने के बाद मैं या आप वो जमीन या बाड़ी खो दिया, कारण एक ही है, कोर्ट लॉ वो डॉक्यूमेंट मांगता है, कोर्ट या लॉ जो डिसीजन देता है वो डिपेंडिंग ऑन दी लॉ, और यहाँ पे वो जो वर्बल जो अंडरस्टैंडिंग है उसका कोई वैल्यू नहीं रखता है, इसीलिए ये होता है और यही होगा। देखिए लास्ट 20 इयर्स केबल टीवी में जो जो किस्सा हुआ, जो जो घटना हुआ, केबल ऑपरेटर को पता है, एमएसओ लोग कभी भी केबल ऑपरेटर का ये जो इम्पोर्टेंस वो मानता नहीं है,
वो चाहता नहीं केबल ऑपरेटर जिस इंडस्ट्री में है उसको हटाना चाहता है। उसको हर टाइम ये इच्छा रहा, आज भी वो कोशिश करता है केबल ऑपरेटर को हटाया जाए। अब जो नया नया जो बिग मल्टीनेशनल कंपनी आ रहा, वो लोग भी एक ही चीज सोचता है, एक ही बात बोलता है और एक ही काम करने का प्लानिंग में है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। अगला 20-25 साल से केबल ऑपरेटर को बहुत कोशिश किया, लेकिन वो लोग तो को निकाल नहीं पाए। कारण ये किया, केबल ऑपरेटर का जो इनर आर्ज है, जो डिटर्मिनेशन है, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का बात है, ये रोजी रोजगार का बात है, तो छोड़ेगा नहीं, तो ऐसे होगा नहीं। तो एक नया सिस्टम बन रहा है, अभी नया सिस्टम चालू हुआ, क्या आप लॉ को बदल दो, लॉ को बदल दो, इस हिसाब से बदल दो ताकि उसका आइडेंटिटी बदल जाए। उसका आइडेंटिटी बदल गया तो उसका जो राइट्स वो खत्म हो जाए, और राइट्स खत्म हो गया तो जो जैसा चाहेगा वैसे कर लेगा। ये सिचुएशन में अभी कुछ प्रोग्राम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो केबल ऑपरेटर का आइडेंटिटी है, लीगल आइडेंटिटी, ये बहुत लाइट लेना नहीं चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये रिटर्न लेने के लिए दोबारा केबल ऑपरेटर एसोसिएशन को सोचना चाहिए और इसके ऊपर अपना माथापच्ची करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के आगे बहुत कुछ होने का प्रोग्राम प्लान है। तो मेरे ख्याल से ऑल इंडिया बेसिस में, जितना रीजनल बेसिस में, जितना एसोसिएशन है, सब ये विषय में बात करें, ये विषय में चर्चा करें, ये विषय में सोचे कि आई एम ए केबल ऑपरेटर, मेरा केबल ऑपरेटर आइडेंटिटी मेरे को वापस होना चाहिए एज पर केबल टीवी एक्ट। क्योंकि देखिए आज वो जो कृषि जो आंदोलन है वो पूरे सोसाइटी में दिखा दिया है, अगर आपका जो टारगेट अगर फिक्स है, आपका जो डिमांड वो अगर सही है, और अगर आपको जो डिमांड करने का जो प्रोग्राम है वो अगर एक साथ हो सकता है, अपोजिट में जितना भी बड़ा हस्ती हो जाए, कोई इंडिविजुअल हो जाए, कोई दल हो जाए या शासक दल हो जाए, वो नीचे आने ही पड़ेगा, उसको आता है, वो लोग प्रूफ कर दिया। तो आज का वीडियो में मैं ये बात आप लोगों को सबके सामने रखना चाहता हूँ, केबल ऑपरेटर्स आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केबल ऑपरेटर्स टू डू बिजनेस इन द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर बिजनेस साइकिल। आगे बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये टोटली ब्रॉडबैंड में कन्वर्ट हो रहा, और ब्रॉडबैंड इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। केबल ऑपरेटर ब्रॉडबैंड करता है, केबल ऑपरेटर FTTH नेटवर्क है, केबल ऑपरेटर इज ऑलरेडी रीच टू दी होम ऑफ अ कंज्यूमर थ्रू फाइबर, और ये रूट ही है बिजनेस का सबसे बड़ा आगे काम होने का। तो इसीलिए सब ऑर्गेनाइजेशन एक बार दोबारा सोचना चालू कीजिए, मेरे को आइडेंटिटी मेरे को वापस होना चाहिए, इसके लिए प्रोग्राम बनाइए, डिस्कस कीजिए, और अपना काम करने के लिए एक कम्युनिकेशन कम्युनिटी में इंटरेक्शन करके एक प्लान बनाइए। अब बार बार ये बोल रहा है इसीलिए क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है ये आइडेंटिटी लो के लेकर के जो भी खेला चल रहा है इसमें बहुत बड़ा एक प्लानिंग है। तो लेट अस गेट यूनाइटेड एंड थिंक ऑन दिस टू रिवाइव द राइट्स ऑफ अ केबल ऑपरेटर इन केबल एक्ट। विद दिस आई क्लोज माई शो विद अ होप दैट माई अपील विल गो टू ईच एंड एवरी केबल ऑपरेटर एंड the organization people of India. Thank you. Namaskar.